सारे खड़े मसले डाल दिए। घर से हम थोड़े दिन पहले ही होके आए थे, लेकिन घर जाने का दोबारा मन कर गया है। वाह भाई, ऐसा कुछ सबको मिले यार। अरे बस, अरे बहुत ही भीड़ हो गई भाई आज तो। लोग आए जा रहे हैं। अरे आराम से भैया, आराम से। हम लोग को यहाँ जाना है भैया। 100 रुपए का प्याज। आलू लेना है क्या? आलू कैसा है? आलू भी 100 रुपए का कर दो। ठेले से शॉपिंग करना सीख गए हम। मम्मा विल बी सो प्राउड। अभी मतलब एक जस्ट थॉट मेरे दिमाग में क्लिक किया कि हमारे कुक ने एक हफ्ते में 2 आदमी का खाना बनाने के लिए, वो भी 6 दिन, 3 किलो प्याज यूज कर दिया। इतना तो घर में यूज नहीं होता था ऐसा लग रहा है, लेकिन यहाँ होता है। क्या करें, होता है। खुद तो नहीं बनाते तो होता ही होगा। और यहाँ पे आपका मैडम काम पे लगी है, मौसी और मम्मी कॉल पे है और वो समझा रही कि घर कैसे बने और कैसे बनाया जाए और वास्तु दोष होता क्या। खुला खुला रहता है, सबसे ज्यादा रोशनी, सबसे ज्यादा हवा यहाँ पे आना चाहिए। पूजा का सबसे अच्छा स्थान जो है वो ईस्ट होता है। तो बाहर किसी बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेशन है कुछ, तो वहाँ पे गाना बजाया जा रहा है और तो हमारी तरफ से भी बच्चे को हैप्पी बर्थडे। ये स्कूल शायद किसी एग्जाम का सेंटर पड़ा हुआ है। वहाँ लोग एकदम खड़े बड़े हैं। पुलिस की गाड़ी आ रखी है। सीट नंबर, सीट नंबर। पुलिस तो बहुत है चेकिंग के लिए। कुछ बड़ा एग्जाम हो रहा लग तो ऐसा ही रहा। ऐसा भीड़ मैंने जब मीन्स दिया था और एडवांस दिया था, मैंने तब फेस किया था। ऐसा खचाखच भर जाता है। एक आदमी अपने साथ 2 आदमी लाता है उम्मीद में कि भाई अच्छा लगेगा। मेरे साथ मेरे मम्मी पापा थे। बैठने का जगह नहीं, कुछ करने का जगह नहीं, धूप में पड़े रहो। मैं एग्जाम दे रहा तो वो बाहर खड़े। यहाँ पे ये लड़की 200 रुपये ट्रांसफर कर रही है भैया को और भैया से 2-2 रुपये के चिल्लर मांग रही है। उसके बाद मैडम यहाँ पे जाएगी और अपना वेट नापेगी। पहले वेट नापो, उसके बाद खाने का सोचना। चप्पल वप्पल उतार के खड़े हो जा। हाँ वेट नहीं दिखाऊंगा, वेट नहीं दिखाऊंगा। कितना आया बताओ, बताओ बताओ ना। नहीं बताऊंगी। और वेलकम जी, आप सबका स्वागत है आज के इस नए ब्लॉग में। और देख रहे चमकदार कपड़े, फूल पत्तियां बनी हुई हैं। हमारे सुशील भाई गोवा से वापस गोवा वाली वाइब्स लेके आए हैं। जैसे भाई आए सबके कपड़ों में परिवर्तन, सब ढिंचाक बन के घूमने जा रहे हैं। थोड़ा शक्ल में भी दिखाओ ना गोवा वाली वाइब। गोवा से आ गया तो ये वाली वाइब दिखी। गोवा में रहता तो गोवा वाली वाइब दिखती ना। अरे कपड़ों से तो ऐसा लग रहा है कि हम बहुत ही अमीर लौंडे हैं, लेकिन कोई मानेगा नहीं मानेगा। आधे एक घंटे पहले मैंने अपने गरीब होने का प्रमाण दिया है, सर्टिफिकेट निकाले मैंने तरह तरह। आज हमने किया है अपना इनकम टैक्स का डिक्लेरेशन के सारे फॉर्म सबमिट, फॉर्म नहीं प्रूफ सबमिट। हमें पता है कि हम गरीब हैं, हमारे घर वालों को पता है हम गरीब हैं, हमारे दोस्तों को भी पता है हम गरीब हैं, लेकिन हमें सरकार को बताना पड़ रहा है कि हम गरीब है। वो मानने को तैयार नहीं कि हम गरीब है। हमें बताना पड़ रहा है कि हमारा खर्चा हो रहा है बहुत ज्यादा, औकात के बाहर। ये डांस सिखा रही है, इसको बोल ले डांस करो। गोवा में तो नाच के आया होगा। अबे नाच ना भाई सुशील, थोड़ा सा नाच। अरे तो क्या करूं मैं अपना टैलेंट कैमरा में। नो। ये देखो भाई दूर से इतना बड़ा चाय का केतली। सुशील तेरे को चाय पिलाने लाए भाई हम लोग। तीन चाय बोलियो। उस दिन जो पिए थे वही वाला गुड़ वाला है, वही ऑर्डर करो। चाय तलब भाई, यहाँ भी केतली सजा रखा है। पी के बताइए कैसा है? अच्छा यार, सारे चाय मेरे को ऐसे लगते हैं यार, मतलब ये बेंगलोर वाले मेरे को तो बहुत अच्छा। दालचीनी का सौदा है भाई। हाँ, कुछ नया है, मतलब एक दो चीजें नहीं डाली है उसने। लेकिन अच्छा है, सारे खड़े मसाले डाल दिए, दवा दारू डाला है पूरा। शादी ब्याह के टाइम ये केतली निकाल के ले जाए तो कैसा रहेगा, पूरे गांव के लिए चाय बन सकता है। ये लेके ट्रेन में जाओ, ट्रेन का एक बोगी ले लो। अगला जो शार्क टैंक में हम ही लोग रहेंगे तुम्हारे बोगी टी करके एक नया टी बनाएंगे भाई। भैया अपना गोल्डन रिट्रीवर घुमाने निकले। अरे एक क्वेश्चन बता सुशील, ये गोल्डन रिट्रीवर कुत्ता होता है ना, उसका फर सारे के सारे गोल्डन होते तो उसको गोल्डन रिट्रीवर बोल दिया। अगर उसका फर काला हुआ तो ब्लैक रिट्रीवर हो गया क्या? वो ब्लैक रिट्रीवर नहीं बोलते, बट ब्लैक कुछ और बोलते यार, ब्लैक मांबा टाइप का कुछ। इसी के साथ सुशील भाई हमारे लिए गोवा से ये लेके आए, हमारे लिए नहीं मोहतरमा के लिए। पहली बार गया तो बहुत सारा दिखाया मेरे को, उनमें से मुझे 3-4 फोटो खींच के इसको भेजा, उनमें से एक इसको पसंद आया। बार्गेनिंग भाई 380 से स्टार्ट हुआ, ठीक है मैंने कुछ बोला ही नहीं, 300 बोल दिया उन लोगों ने बस मेरे खड़े खड़े, तो मैं जाने लगा तो उन लोगों ने 220 किया फाइनली। हाँ भाई लग रहा चल रहा मजा रहा भाई, बस थोड़ा सा मोटा लग रहा हूँ। ले भाई हेलमेट पहन लो। हाँ तो बन गए कैप्टन अमेरिका पास। भाई साहब एक बार गाड़ी यहाँ से निकलती है ना, ऐसे जगह गायब होता है पूछो मत। गई गई तूने क्या? मेरे को लगा अभी गई लड़की, हमारी ताकतवर हो गई। वो अंकल को देखो मस्त निस्वर पड़ रहा है वहाँ पे बैठ के। नम्रता कहीं घूमने चलेगी?
तो भाइयों और बहनों, घर से हम थोड़े दिन पहले ही होके आए थे, लेकिन घर जाने का दोबारा मन कर गया है, क्योंकि थोड़े दिनों में मम्मी की ट्यूशन मास्टर की शादी और मैडम को देखना है पहाड़ी शादी। तो हमने बोला चलो, फिर कुछ नाप रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग वाला फोन तो मैंने भी कॉलेज में यूज किया है। उससे बेसिकली हम नापते एलिवेशन, कौन सी जमीन कितनी ऊपर है कितने नीचे है, वो सब करते हैं। खो गए भीड़ में, कहाँ से निकलो हो गया उसका। भाई चाय, वहाँ चाय मिलती है, वहाँ से चाय लेके यहाँ खड़े होने में बड़ा मजा आता है, सारा विटामिन डी अपना शरीर सोख ले। आजा तेरे को दिखाता हूँ, आजा आजा। किचन देख रहा है, गैस का किसने साफ किया है? अपने कुक ने तो नहीं किया। कुक ने किया है? आज अचानक से कैसे, मतलब आज उसने बोला टमाटर नहीं है तो उसने खिचड़ी बनाई और किचन साफ कर दिया। क्योंकि उसके पास एक ही टास्क था ना, तो बीच में बोर हो रहा था तो उसने किचन साफ कर दिया। यार थोड़ा सा ये कुछ अजीब, मतलब साफ तो बहुत अच्छा किया है। वाह भाई, ऐसा कुक सबको मिले यार, बहुत अच्छा बनाया, बहुत ज्यादा अच्छा बनाया। घी का टेस्ट आ रहा है, घी का टेस्ट आ रहा है। मंदिर का खिचड़ी वाला फील नहीं देना, बस इसमें चार पांच सब्जी डाल देता ना, जो हमें मालूम ही नहीं चलता क्या है, तो फिर बेकार हो जाता। तब मजा आता है। मंदिर का खिचड़ी नहीं खाई तो प्रसाद है। नहीं, मुझे तो प्लेन ही अच्छी लगती है। संक्रांति के लिए फूल, आम के पत्ते, ये भी आम के पत्ते लगाने लग गए भाई रोड पे। ये इतना सारा गन्ना वन्ना भी है, इतने मोटे तो नहीं होते। ये बढ़िया क्वालिटी का गन्ना है भाई, मोटा मोटा गन्ना है। अभी तो दुकान बंद कर रहे, कल लेने आएंगे। जब जब मेरे को लगता है ना कि यहाँ पे ये पूजा तो नहीं मनाते होंगे, वो पूजा कदे मना लेते हैं पता ही नहीं है। मतलब यहाँ पे हर चीज धूमधाम से बनती है, बढ़िया चीज है। वैसे रात में पेड़ से ना नहीं तोड़ना चाहिए। एक तिली चाहिए, एक तिली। थोड़ा सा इसको यहाँ से फाड़ो, तो चलो तो यहाँ से करो ऐसे। मैं दौड़ता हूँ। तू दौड़ 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 दौड़। नहीं बोलो। अरे शर्मा रही है तू। ले मैं घुमा दूंगा दे। ये बैलेंस नहीं है। अरे बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया। भाई एक सॉफ्टीज है ना, वो मिक्स वाला होता है ना, तो तेरे कारण खाना पड़ रहा है मेरे को। आज इतना बड़ा लपका एक ने। तो ठीक है, इस ब्लॉग को यहीं खत्म कर। नहीं हो पाता ऐसे। ठीक है यार, वैसे सामने रहता तो नहीं बोल पाती हूँ मैं। तो जाते जाते बीहू, लोरी और मकर संक्रांति की हम सब की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। टाटा टाटा। इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वाले ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक क्लिप बने रहे। और जो मंदिर नहीं जाते वो तो बात ही ना करें। मैं खिचड़ी खाने जा रहा था, हनुमान जयंती वगैरह के दिन ना बनता था यार।